पहले वहाँ आज छात्रा बताएंगे किसको जिताएंगे कि सो तस्वीरें हम दिखाना चाहूँगा। हमारे बीच सैकड़ों छात्राएं हैं जो कि यहाँ पर आज बताएंगी कि किसके साथ में और किसके हाथ में। बात यहीं से करते हैं। देखिए महिला महाविद्यालय में आज मैं पहुँचा हूँ और ये जमानिया में अब अहम ठीक है। अगर उसके घर में जब खाने के लिए ही नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे? बस बच्चों का प्रोग्रेस रुक जा रहा है वहीं पर, बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और रह गया स्कॉलर मिलता था बच्चों को, अब स्कॉलर पे भी मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया दिक्कत कि मिलना नामुमकिन हो गया है, जबकि सरकार को हर बच्चे को स्कॉलर देना चाहिए पढ़ने के लिए। वो कैसे पढ़ेंगे आगे अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? चलिए आपकी भी बात हम आगे फिर से सुनेंगे, लेकिन चलिए इधर कुछ हथियार रही बताइए कि क्या सोच रखी है इस बार सरकार के प्रति या कोई भी सरकार? सर सरकार तो बहुत अच्छी है हमारे मतलब सोच से। आई थिंक जैसे कि पहले क्या होता था कि लड़कियां बाहर निकलती थी बहुत डरती थी, बट अब लड़कियां बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, उनको सेल्फ डिपेंड बनने का भी वो दावा करती है। आई थिंक सरकार ने बहुत शिक्षा हम लोगों को प्राप्त किया और हम लोगों ने लिया उस चीज़ को। लेकिन हम लोग सरकार से ये निवेदन करेंगे कि वो हम मतलब बेरोजगारी को जो है अच्छे ढंग से मतलब वो दिखाए, जैसे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो आगे चल के अपने मतलब सेल्फ डिपेंड बन सके। घर से लेकर स्कूल तक कितना सुरक्षा कितना विकास? बहुत से ऐसे विकास होता है जो सरकार ने हमारे लिए किया है, जैसे कि अगर हम लोग आते हैं कभी भी तो ऑटो भी ऐसे हमेशा चलती रहती है, हम लोग उसे आ सकते हैं और ना ही हमें मतलब रास्ते पे किसी से डर होता है और ना किसी चीज़ का भय होता है, हम अच्छे से और आसानी से अपने स्कूल तक आ सकते हैं। अच्छा पहले बताया जाता कि सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल इसलिए होता था जी, पुलिस काम नहीं करती थी ना पुलिस सुनती थी किसी की, और कोई भी जाता था तो किसी का कोई बातें नहीं कोई मानता था। अब सवाल इसलिए भी नहीं है कि क्योंकि सरकार हर व्यवस्था दे रही है छात्राओं को, देखा जाए 18 से लेके 21 किया, इधर सुरक्षा की बात करते एंटी रोमियो स्क्वाड दौड़ाया, ये कैसा? सर जैसे कहने का मतलब है कि ये भी तो ठीक ही है, लेकिन जैसे सरकार पहले पुलिस जैसे काम नहीं करती थी, लेकिन अब तो पुलिस भी अपनी गाड़ी के साथ दौड़ा करती है कि बच्चे अगर रोड पे निकले हैं तो उन्हें कोई परेशानी का सामना तो करने का मौका नहीं मिल रहा है, और पुलिस भी हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। अच्छा इस बार जब EVM पर जाएंगी क्या सोचकर बटन दबाएंगी, क्या उसमें दिमाग में क्या आएगा? सर आई थिंक हम सोचेंगे कि शायद हमारी सरकार इससे भी बेहतर हो सके, मतलब हम किसी का तो नाम नहीं कह सकते पर जो भी बने सरकार वो हमारे लिए हमारे हित में कुछ अच्छा काम करे। अच्छा उस समय क्या बेरोजगारी रहेगी मुद्दा, महंगाई मुद्दा रहेगी, या स्कूटी या लैपटॉप या टैबलेट रहेगा मुद्दा, या बात करते सुरक्षा रहेगा मुद्दा? सर बेरोजगारी, बेरोजगारी रहेगी। चलिए आपने देखा और क्षेत्र में पहले ऐसे रोड नहीं थे, कुछ लगा विकास हुआ कुछ आपके क्षेत्र में? हाँ सर जैसे हम लोग के जमंगिया में कुछ रोडें अजीब थी वो सही हुई हैं और फिर से मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, स्टूडेंटों के लिए भी बहुत सही व्यवस्था की गई है। अच्छा आप लोगों के लिए सुरक्षा कैसा है? हम लोग के लिए सुरक्षा अच्छी है, आने जाने में ना कोई तकलीफ है ना कोई दिक्कत है, अच्छा विद्यालय भी है यहाँ के लिए सब कुछ है। चलिए चलते हैं, आटा चीनी महंगा हुआ कैसे? अरे कैसे महंगा हुआ मैं भी तो जानूँ इस चीज़ को। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है इसकी वजह से महंगाई हो रही है, बेरोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, जॉब नहीं है तो इसकी वजह से उनको कार्य करने में प्रॉब्लम है, उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे कोई भी काम मैनेज कर पाएंगे, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, खाने में कमी है फिर उसकी वजह से टेंशन आई है। अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा है, विकास जमनिया में विकास कितना पिछले 5 सालों में और पिछले 15 सालों में? 5 साल का रोड पहले मैं जमनिया आई नहीं थी, अब 5 सालों में आ रही हूँ जमनिया। कैसा लग रहा है अभी जमनिया में? अभी जमनिया सही है पर हम लोग की साइड का रास्ता बहुत खराब है। अच्छा हम लोग की साइड, चलिए किस साइड में आप बता दीजिए एक बार भी जान। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि रोड और सुरक्षा कितना? जहाँ तक देखा जाए तो रोड भी सही है और सुरक्षा भी सही है। बात करते हैं हम बेरोजगारी की, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, हम लोग पढ़ाई ले रहे हैं शिक्षा ले रहे हैं तो इसका कोई मतलब होना चाहिए ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए जॉब करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं अभी तो हमारा जॉब का मतलब एज हुआ है तो हम अभी तक तो कोई ऐसा जॉब ही नहीं निकला है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग की पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, मेहनत करने का कोई रीज़न होना चाहिए ना, हम लोग जॉब के लिए करें तो जॉब तो आ ही नहीं रहा है। हमने देखा है कि हमारे जो घर के बड़े लोग हैं हमसे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब 5 सालों में कोई जॉब ही नहीं मिल रही है तो इस शिक्षा लेने का क्या मतलब है, इससे तो अच्छा है कि हम लोग घर पे ही रहे ना। अच्छा बात करते हैं सुरक्षा, इन छात्राओं ने आपके सामने कई चीज़ों को कई बातें बताया, मिलते हैं किसी और जगह से ग्राउंड जीरो फिरोज में, तब तक के लिए
नमस्कार।